शहर पुलिस ने नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाकर मादक पदार्थ तस्करी की धर पकड़ की। पुलिस ने 6 घंटे के भीतर 153 मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ा है। क्राइम ब्रांच लाकर उनकी कुंडली तैयार की गई है। 6 घंटे तक चले इस ऑपरेशन से मादक पदार्थ तस्करों में खलबली मची हुई है। पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल ने इस ऑपरेशन की जानकारी दी। शहर पुलिस ड्रग्स फ्री सिटी की संकल्पना पर काम कर रही है। शहर पुलिस मादक पदार्थ तस्करों को लेकर बेहद सख्त है। नशे से युवा पीढ़ी तबाह हो रही है। पब लॉन्च के साथ शिक्षा संस्थान के पास भी मादक पदार्थ की बिक्री होती है। पुलिस ने समय समय पर औचक जांच करके कार्रवाई की गई है। मादक पदार्थ तस्करों को जोर का झटका देने के इरादे से पुलिस आयुक्त ने ऑपरेशन थंडर चलाने के निर्देश दिए। शहर पुलिस ने 2020 से अब तक मादक पदार्थ की तस्करी में पकड़े गए अपराधियों को टारगेट पर रखा। इस दौरान 800 से अधिक अपराधी तस्करी में लिप्त पाए गए। उन्हें ऑपरेशन थंडर में शामिल किया गया। रात 12 बजे क्राइम ब्रांच ने स्थानीय पुलिस की मदद से तस्करों पर दबिश दी। पुलिस को 153 तस्कर मिल गए। 15 तस्कर पहले से जेल में होने का पता चला। एक की मौत होने जबकि 164 के जिले से बाहर गए होने का खुलासा हुआ है। 500 से अधिक तस्कर पुलिस के हाथ लगने से बच गए। पकड़े गए 153 तस्करों को क्राइम ब्रांच लाया गया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि पकड़े गए तस्करों की हिस्ट्री शीट भरी गई है। उसमें अपराधी के मौजूदा फोटो, फिंगरप्रिंट, परिचरों की जानकारी, आधार कार्ड तथा बैंक खातों का ब्योरा, पृष्ठभूमि, मौजूदा कामकाज सहित सभी तरह की जानकारी दर्ज की गई है। ये ब्योरा सिम्बा ऐप में दर्ज किया जाएगा, जिससे एक क्लिक से अपराधी की कुंडली पुलिस के सामने आ जाएगी। इससे पुलिस को कार्रवाई करने में आसानी होगी। डॉक्टर सिंगल ने बताया कि पकड़े गए तस्करों की भविष्य में भी निगरानी की जाएगी। दाखल केलेले शहरामध्ये तसेच त्याच्यात जवळपास 419 kg, 271 ग्राम आणि 372 मिलीग्राम असे अमली पदार्थ आपल्याकडे सापडलेले आहे। त्याची किंमत जे पूर्ण किंमत आहे ती आहे जवळपास 4.5 कोटी आणि आरोपी जवळपास 261 आरोपी त्याच्यात अटक करण्यात आलेले आहे। आणि त्याच्यानंतर एक गुन्हे युनिट जे आपला 5 आहे त्यांनी एक कारवाई केली। त्याच्यात हेरोईन पावडर एक सापडलेलं आहे। त्याचे जवळपास 1,75,000 त्याची जवळपास किंमत आहे। ते पण कालची आपली आहे 17-10 ची कारवाई, जवळपास 12:30 वाजता ही झालेली आहे। तसेच आपला तहसील जे पोलीस स्टेशन आहे तिथेही गांजा सापडलेला होता, तेही आपण त्याच्यावर कारवाई की करतो आहे। त्याचे जवळपास 27,000-28,000 ते मुद्देमाल आहे। म्हणजे सांगण्याचा हेतू असा आहे की आपण याचे मागे आहेत सगळे असे जे क्रिमिनल्स आहे आणि इतर जे क्रिमिनल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये जे लिप्त लोक आहे त्यांचेही आम्ही डोझियर्स तयार केलेले। म्हणजे आता इलेक्शन्स आहे पण त्याची अगोदरच आपली ही कारवाई चालू होती। तर वेगवेगळे जसे बॉडी ऑफेन्सेसवाले आहे, घरफोडी करणारे आरोपी आहे किंवा कोणी जे बाकी गुंडार रजिस्टरमध्ये आपले जे नाव आहे हे सगळ्यांचे विरुद्ध आपण असेच कारवाई करणार आहे पुढचे काही दिवसामध्ये। आणि ते कोणी याच्यातून सुटणार नाही यासाठी आम्ही आपले अधिकाऱ्यांना सर्वांना आदेश दिलेले आहे आणि सगळे एक टीम म्हणून काम करत आहे। शेअरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होत आहे की कोण जर एक भागात राहतात आणि दुसऱ्या भागात जाऊन काही क्राईम करतात किंवा बॉडी ऑफेन्सेस करतात, काही लोक असे जे चाकू वगैरे असे आर्म्स ठेवतात, हे सगळे लोकांची जे आहे आम्ही माहिती घेतलेली आणि त्याच्यावर आमची कारवाई चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।